गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे आप। और ये मेरा नेक्स्ट एडिटोरियल रीडिंग सेशन है, सेशन 9। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये 6 मार्च जो आपका है उसका एडिटोरियल है। ये सिस्टम है आपका, सारे पैसेज आपको दिए गए हैं और ये पैसेज हैं और ये वो कॉमन एरर्स हैं जो आपको करने हैं और जिसके सॉल्यूशंस मैं लास्ट में आपको दूंगा। आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें और फिर अपनी कोशिश करें कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, और जब मैं समझाऊंगा तो आप इसे फिर तैयार करने की कोशिश करें। ये निश्चित ही आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। ये है आपका दोनों स्क्रीनशॉट्स ले लें और फिर नेक्स्ट वर्ड्स हमको मिलेंगे जो हम देख लेते हैं पहले, ताकि पैसेज पढ़ते समय हमें आसानी हो जाए। पहला वर्ड देख रहे होंगे आप, एस्केलेट। ये वर्ड इस समय बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है भारत पाकिस्तान के सेंस में। अगर आप देखेंगे, जब भी कोई पॉलिटिकल डिबेट होती है तो वहाँ ये वर्ड यूज किया जाता है। तो एस्केलेट मीन्स होता है किसी चीज़ को तेज करना, गहरा करना। जैसे मान लीजिए कोई कहीं पे युद्ध होने की स्थिति है, तो युद्ध होने की स्थिति जो है वो तेज होती जा रही, गहरी होती जा रही, तीव्र होती जा रही, तो वो स्थिति जो है वो एस्केलेट कर रही है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्पोज। इम्पोज में समझते होंगे किसी पर थोपना। नॉर्मली ये कोई जबरदस्ती चीज कोई अगर हम थोपते हैं किसी पर, स्पेशली टैक्स वगैरह, तो हम इम्पोज करते हैं। तो इम्पोज मीन्स थोपना। ये वर्ड भी बहुत यूज हो रहा है इस समय, रिटेलिएटरी। रिटेलिएटरी रिटेलिएट से बना है। रिटेलिएट मीन्स बदला लेना, जवाब देना, प्रतिशोध लेना, उसी का एडजेक्टिव बना दिया गया। रिटेलिएटरी मीन्स मुंह तोड़, प्रतिशोधात्मक। जो चीज प्रतिशोध से या बदले से भरी हुई होती है वो रिटेलिएटरी होती है। तो फिर से देख लें, एस्केलेट मीन्स तेज करना या गहरा करना, इम्पोज मीन्स थोपना, टैक्स वगैरह, और रिटेलिएटरी मीन्स मुंह तोड़ या प्रतिशोधात्मक। नेक्स्ट वर्ड्स देख रहे होंगे आप, पहला वर्ड है एक्सेम्प्ट। ये वर्ड आपका, आप जानते हैं, एक्सेम्प्ट मीन्स मुक्त करना, स्पेशली जब किसी को किसी शुल्क वगैरह से मुक्त किया जाता है तो उसे एक्सेम्प्ट किया जाता है। इसी से एक्सेम्प्शन बना है, नाउन आपका। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंसर्न्स। आप जानते होंगे इसके दो अर्थ होते हैं, एक ये चिंताओं के सेंस में हम यूज करते हैं, जैसे कंसर्न्ड पेरेंट्स मीन्स चिंतित माता पिता, और हम संबंधित के सेंस में भी कंसर्न का प्रयोग करते हैं। तो दोनों सेंस में, पैसेज में आप देखिएगा कौन से सेंस में यूज किया गया है। वैसे मीनिंग इसकी दोनों होती, कंसर्न मीन्स चिंतित भी होता है और कंसर्न मीन्स संबंधित भी होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिसकंटेंट। जानते होंगे कंटेंट मीन्स संतुष्टि होती, कंटेंटमेंट इसी से बना है, और डिसकंटेंट मीन्स असंतुष्टि या किसी से नाराजगी। तो पहला वर्ड हमने पढ़ा इसमें एग्जेम्प्ट, मुक्त करना शुल्क इत्यादि से। नेक्स्ट वर्ड है कंसर्न, चिंताएं या संबंधित होने की क्रिया, और नेक्स्ट वर्ड है डिसकंटेंट मीन्स असंतुष्टि या नाराजगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स आपके सामने है इम्पैक्ट। नॉर्मल वर्ड है, आपको आना ही चाहिए। इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव होता है, यानी जब किसी चीज का किसी चीज पर प्रभाव पड़ता है तो वो एक इम्पैक्ट होता है। जैसे मेरे पढ़ाने का आप पे प्रभाव अगर पड़ रहा है तो मेरा इंप्रेशन या इम्पैक्ट आप पे आ रहा है। इंस्टॉन्स में आप जानते हैं, इंस्टॉन्स मीन्स कदम होता है, मीन्स जिस तरीके से आप कोई कार्य कर रहे हैं वो आपका इंस्टॉन्स होता है। और एक इडियम है आपका पुल द ट्रिगर, मीन्स किसी चीज के बारे में अंतिम निर्णय ले लेना या कार्यवाही करना। जैसे मान लीजिए आप दो लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है और आप पुल द ट्रिगर कर रहे हैं, इट मीन्स आप शुरुआत कर रहे हैं, यानी फाइनली आप ये डिसीजन कर ले रहे हैं कि अभी एक्शन आपको लेना है। और लास्ट वर्ड है आपका स्टैंड ऑफ। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में दिया गया। स्टैंड ऑफ मीन्स गतिरोध होता है, मीन्स किसी दो लोगों के बीच में कोई क्लैश आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो वह एक स्टैंड ऑफ होता है। ठीक है, चलिए फिर ये वर्ड्स तो गए आपके, और ये फिर से देख लें, ये सारे वो कॉमन एरर्स हैं जो आपको करने हैं, फिर मैं बाद में बताऊंगा। और ये 10 हैं टोटल आपके कॉमन एरर्स। चलिए शुरू करते हैं एडिटोरियल, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी इसे ध्यान से पढ़ें और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें, कहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया गया है, कौन सी टेंस कहां पर यूज की गई है, पूरे चैप्टर का यानी पूरी जो क्लास है आपकी सेंटेंस है उसका अर्थ क्या निकल रहा है। इससे आपको धीरे धीरे पढ़ना आ जाएगा, और जिस दिन आपने पैसेजेस
पढ़ने शुरू कर दिए, उसके अर्थ उसका कॉन्सेप्ट समझना शुरू कर दिया, तो आपकी कई सारी चीज़ें, क्लोज टेस्ट हुआ, कॉम्प्रिहेंशन हुआ, पिकेवारस हुआ, कॉमन एरर हुआ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव्ड हो जाएंगी। चलिए, तो एडिटोरियल है आपका ये 6 मार्च का, यानी 6 मार्च का, कल का ये है, और हेडिंग है लाइफ विदाउट GSP। GSP मीन्स होता है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस समझते होंगे, जब हम किसी को वरीयता देते हैं, उसे ज्यादा आश्रय देते हैं, तो वह हमारी प्रेफरेंस में आता है। जनरलाइज्ड मीन्स क्या होता है? जनरलाइज्ड मीन्स व्यापक, जो सब पे लागू होता हो, व्यापक सिस्टम समझते होंगे, प्रणाली को कहते हैं, व्यवस्था को कहते हैं। तो लाइफ विदाउट GSP यानी व्यापक व्यवस्था में जो हमारी प्रेफरेंसेस होती हैं, अगर वो हमें नहीं मिल रही हैं, तो उसके बिना हमारी लाइफ कैसी होगी, इसी पर ये आपका वो एडिटोरियल है आपका। ये अमेरिका संबंधित है, आपको याद होगा कि अमेरिका इस समय धमकियां दे रहा है भारत को कि ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, भारत को जो इंपोर्ट टैक्स एंड टैरिफ्स हैं वो बढ़ा के देगा, वो बढ़ा के रख देगा, जो भारत के लिए कहीं कहीं शायद थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, कह रहे इंडिया मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट। देखिए, पढ़ने से आपको वर्ड्स बहुत काम आएंगे, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। तो इंडिया मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट, मस्ट नॉट का प्रयोग तभी करते हैं जब किसी चीज को मना किया जाता है, और स्ट्रिक्टली मना किया जाता है, फोर्सिबली किसी को मना किया जाता है। तो इंडिया मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट मीन्स कम करके आंकना, किसी चीज की कीमत को कम आंकना, नहीं, भारत को निश्चित ही कम करके नहीं आंकना चाहिए, किस चीज को, द इम्पैक्ट, ये यहां पे ऑब्जेक्ट है आपका, द इम्पैक्ट ऑफ द US विदड्रॉल, यहां WAL रहेगा यहां पे विदड्रॉल में, यानी W के बाद A जुड़ जाएगा। तो इंडिया मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ द US विदड्रॉल, US विदड्रॉल ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस। ट्रेड समझते होंगे व्यापारिक, प्रिविलेजेस मीन्स सुविधाएं होती हैं। मैंने कहा एडिटोरियल के सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, यदि आप SSC स्पेशली SSC वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमेशा काम आएंगे। फिर से देखते हैं, इंडिया मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट, यानी भारत को कम करके नहीं आंकना चाहिए, किस चीज को कम करके नहीं आंकना चाहिए, द इम्पैक्ट ऑफ द US विदड्रॉल ऑफ ट्रेड प्रिविलेज, यानी अमेरिका जो, ये जो US है, ये जो ट्रेड प्रिविलेजेस यानी जो व्यापारिक सुविधाएं देता है, उसको अगर वो विड्रॉल कर रहा है, उनकी उन सुविधाओं की वापसी कर ले रहा है, उन्हें वापस ले रहा है, तो इस वापसी के प्रभाव को यानी उसके इम्पैक्ट को भारत को क्या नहीं करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, यानी उसे कम करके नहीं आंकना चाहिए। फिर से देखते हैं, यानी इंडिया मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट, भारत को कम करके नहीं आंकना चाहिए, द इम्पैक्ट ऑफ द US विड्रॉल ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस, यानी अमेरिका के जो ट्रेड प्रिविलेजेस हैं, यानी जो व्यापारिक जो सुविधाएं हैं भारत को, अगर अमेरिका उसे विड्रॉल कर लेता है, वापस ले लेता है, तो इसका पड़ने वाला जो प्रभाव है, उस प्रभाव को भारत को कम करके नहीं आंकना चाहिए। ये आपका एडिटोरियल की हेडिंग है आपकी। करें द US, देख रहे होंगे द US, द US, द UK होता है ना, तो द US हैज अल्टीमेटली एक्टेड ऑन, अल्टीमेटली अंततः, अंतिम रूप से, और एक्ट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, एक्ट ऑन मीन्स होता है के अनुसार कार्य करना, याद कर लीजिएगा, एक्ट ऑन मीन्स किसी चीज के अनुसार कार्य करना, और एक्ट अपॉन किसी चीज पर अपना प्रभाव डालना, वैसे दोनों एक ही चीज है आपकी। तो द US हैज अल्टीमेटली एक्टेड ऑन, यानी अमेरिका ने अंततः एक्टेड ऑन, क्रियान्वित किया है इट्स थ्रेट, अपनी धमकी को, यानी अमेरिका ने अंततः अपनी जो उसकी धमकी थी, उस धमकी को एक्टेड ऑन, यानी एक तरह से उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया है। अल्टीमेटली कौन सी धमकी, टू विदड्रॉ कंसेशंस, टू विड्रॉ वापस लेने के लिए, कंसेशंस रियायतें सहूलियतें, यानी सहूलियतों को वापस लेने की जो धमकी अमेरिका दे रहा था, एक्टेड ऑन, उस पर उसने कार्य करना शुरू कर दिया, यानी अंततः उस पर उसने कार्य करना शुरू कर दिया है, वो कंसेशंस, वो सहूलियतें ग्रांटेड, जो स्वीकृत थी टू इंडियन इंपोर्ट्स, भारतीय इंपोर्ट्स को, यानी भारतीय आयातों को, अंडर द जनरलाइज्ड सिस्टम
ऑफ प्रेफरेंसेस, किस चीज के अधीन, किस चीज के अंतर्गत, यानी जो व्यापक व्यवस्था थी वरीयता सूची की उसके अंतर यानी उसके अंदर जो इंडियन इंपोर्ट्स था यानी भारतीय आयात था उस पर जो ग्रांटेड कंसेशंस थे उनको वापस करने की जो धमकी अमेरिका दे रहा था उस धमकी पर उसने कार्य करना अंततः क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। विद प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिकेटिंग, अब तोड़ दिए सेंटेंस को, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिकेटेड यानी उन्होंने संकेत दिया था एज मच इन अ लेटर, यानी बहुत कुछ संकेत दिया था एक पत्र में, किसको लिखे पत्र में, टू द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट, समझते होंगे जो उनके कांग्रेस है वहां के संसद उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और सीनेट हैं उनको लिखे एक पत्र में ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिकेट किया था। उसके साथ वाशिंगटन यानी उसके साथ वाशिंगटन ने बीकेम द फर्स्ट यानी वाशिंगटन पहले आ गया, सबसे पहला पोजिशन उसने प्राप्त कर ली टू पुल द ट्रिगर यानी शुरुआत करने के लिए, कार्यवाही करने के लिए इन अ लॉन्ग ट्रेड स्टैंड ऑफ, यानी जो लंबे समय से व्यापारिक गतिरोध चल रहा था बिटवीन द टू कंट्रीज, दो देशों के बीच, कौन से दो देश, अमेरिका और भारत, यानी दोनों देश यानी अमेरिका और भारत के बीच में जो एक स्टैंड ऑफ चल रहा था, कौन सा स्टैंड ऑफ, ट्रेड स्टैंड ऑफ, ये जो व्यापारिक गतिरोध चल रहा था लंबे समय से उसमें अमेरिका पहले स्थान पर, यानी उसने शुरुआत कर दी कार्यवाही करने की, यानी अमेरिका ने भारत से पहले पुल द ट्रिगर कर दिया, ट्रिगर को पुल कर दिया, मीन्स एक तरह से शुरुआत कर दी कि वह भारत पर अपने टैक्सेस क्या करेगा, इंपोर्ट टैरिफ जो है उन्हें बढ़ाएगा। इंडिया यूएस ट्रेड टेंशंस, भारत और अमेरिका के जो व्यापारिक तनाव हैं एस्केलेटेड, वो तनाव क्या हो गए, बढ़ गए लास्ट ईयर, पिछले साल, देखिए लास्ट ईयर है ना, इसलिए जब लास्ट ईयर है तो फिर यहां पे आपकी पास्ट इंडेफिनिट अर्थात सेकंड फॉर्म यूज की गई है, जैसे लास्ट ईयर है या टू ईयर्स एगो हो, थ्री ईयर्स एगो हो, तो यहां हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। फिर देखते हैं इंडिया यूएस ट्रेड टेंशन यानी भारत और अमेरिका के बीच जो तनाव है एस्केलेटेड लास्ट ईयर, वो पिछले साल क्या हो गए थे, बढ़ गए थे, व्हेन, जब, ये देखिए समय है ना लास्ट ईयर, तो एग्जाम में क्या करके दिया जा सकता है, जब लास्ट ईयर यहां समय है तो एग्जाम में यहां वेयर दिया जा सकता है जो कि गलत होगा, जब हम यहां टाइम ले रहे हैं तो यहां वेयर कैसे हो सकता है, व्हेन होगा ना यहां पे। तो इंडिया यूएस ट्रेड टेंशन एस्केलेटेड लास्ट ईयर, भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक तनाव बहुत बढ़ गए थे, व्हेन, जब, द यूएस, जब अमेरिका took two consecutive decisions, consecutive means लगातार, यानी जब अमेरिका ने दो लगातार निर्णय लिए, to, किस लिए निर्णय लिए, to increase import tariffs, किस चीज के निर्णय लिए उसने, import tariffs, यानी जो import tariffs, आयात शुल्क हैं, इनको बढ़ाने का जब उसने दो लगातार निर्णय लिए on steel and aluminium, यानी steel और aluminium पर इंपोर्ट टैरिफ्स को बढ़ाने का जब उसने दो लगातार निर्णय लिए तो फिर भारत और अमेरिका के व्यापारिक जो तनाव थे पिछले साल वो क्या हो गए थे, बढ़ गए थे वो। एंड और प्लीज यहां ध्यान से देखिए, ये था आपका व्हेन द यूएस टुक टू कंसेक्यूटिव डिसीजंस टू इंक्रीज इंपोर्ट टैरिफ्स ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम, एंड एंड के बाद वही वर्ब आएगी जो वर्ब इसके पहले थे, तो वर्ब इसके पहले क्या थे, देखिए टू इंक्रीज था, तो एंड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, लेकिन आपने रूल पढ़ा होगा एंड के पहले अगर आपने फुल इन्फिनेटिव यूज किया है तो एंड के बाद आपको बेयर इन्फिनेटिव यूज करना होगा, इसीलिए यहां से जो टू आ सकता था दोबारा वो टू क्या हो गया, हट गया यहां से। चलिए तो एंड प्लेस इंडियाज एलिजिबिलिटी फॉर जीएसपी बेनिफिट्स अंडर रिव्यू, जब कोई चीज अंडर रिव्यू होती है तो उसकी समीक्षा शुरू हो जाती है, उसका अवलोकन शुरू हो जाता है। तो अमेरिका ने क्या किया, दो चीज किया, देखिए यहां से कि इंडिया यूएस ट्रेड टेंशन एस्केलेटेड लास्ट ईयर, पिछले साल भारत और अमेरिका के व्यापारिक तनाव बढ़ गए थे बहुत,
When the US took two consecutive decisions, जब अमेरिका ने दो लगातार निर्णय लिए, किस लिए? To increase import tariffs, यानि import tariffs को बढ़ाने क्या? On steel and aluminium, steel और aluminium पर import tariffs को बढ़ाने के जब उसने दो लगातार निर्णय लिए, and, और जोड़ दीजिए यहाँ से, और place India's eligibility, और भारत की eligibility को, यानि उसकी जो eligibility थी, अर्थात स्वीकार्यता थी, उसकी जो योग्यता थी, उसे place, यहाँ place noun नहीं है, place यहाँ verb है, उसने भारत की योग्यता को, भारत की स्वीकार्यता को रख दिया, कहाँ रख दिया? For GSP, यानी GSP के लिए स्वीकार्यता भारत की जो थी, उसे रख दिया under review, कहाँ? समीक्षा के अंतर्गत, यानी GSP के लिए भारत योग्य है कि नहीं, इस चीज की भारत की जो eligibility थी, उसे अमेरिका ने under review क्या कर दिया? Place कर दिया, यानी उसने कहा कि अब भारत की इस eligibility को under review रखा जाएगा, अर्थात अवलोकन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी कि भारत GSP पाने के काबिल है या नहीं, यानी भारत generalized system of preferences के काबिल है या नहीं है। चलिए, shortly after कुछ ही समय बाद, इंडिया ने कहा, it would impose retaliatory tariffs, it would impose, पहली क्लास देखें, इंडिया said past है, तो will का क्या हो गया, would हो गया आपका, ठीक है, तो shortly after, इंडिया said, भारत ने कहा, it would impose, कि ये लगाएगा, retaliatory tariffs, प्रतिशोधात्मक शुल्क, यानी भारत ने कहा, कि यह भी बदले में क्या लगाएगा, tariffs लगाएगा, on imports, उन आयातों पर from the US, जो आयात कहां से किए जाते हैं, अमेरिका से किए जाते हैं, and even notified the list of items, और इतना है नहीं, भारत ने केवल कहा ही नहीं, even यहां तक कि notified the list of items, उन सामानों की सूची भी notify कर दी, प्रेषित कर दी, on which, जिन सामानों पर these would apply, यानी वो retaliatory tariffs जो हैं, जिन सामानों पर apply होंगे, means लगेंगे, उन सामानों की सूची भी भारत ने क्या कर दी, notify कर दी, प्रेषित कर दी, सूचित कर दी। Meanwhile means speech, the US stood fast on not exempting India from its tariff hikes, यानी भारत ने इसलिए किया कि अगर आप हमारे टैरिफ लगाओगे तो हम भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाएंगे, भारत को लगा कि फिर अमेरिका पीछे हट जाएगा, कहेगा ठीक भाई आप नहीं लगाई, हम भी नहीं लगाएंगे, लेकिन मीनवाइल इस बीच द यूएस स्टूड फास्ट, यानी अमेरिका ने तेजी दिखाई ऑन नॉट एग्जेम्प्टिंग इंडिया, यानी उसने भारत को मुक्त नहीं किया फ्रॉम इट्स टैरिफ हाइक्स, यानी जो अपनी शुल्क की हाइक थी, बढ़ोतरी थी, उस टैरिफ हाइक में भारत को उसने कोई एग्जेम्प्शन नहीं दिया, एग्जेम्प्ट नहीं किया, यानी भारत को किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी, विद मिस्टर ट्रंप कंप्लेनिंग, क्योंकि मिस्टर ट्रंप ने शिकायत की अबाउट इंडियाज हाई इंपोर्ट टैरिफ्स, कि भारत में बहुत ऊंचे आयात शुल्क हैं, सेवरल टाइम्स, जो कई बार लगाए गए हैं, इस चीज की शिकायत करते हुए अमेरिका ने कहा कि हम भारत को टैरिफ हाइक से मुक्ति देने वाले नहीं है, उसमें कोई छूट देने वाले नहीं। द जीएसपी रिव्यू, यानी जो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस था, वो जो भारत को रिव्यू के अंतर्गत रखा गया था, हाउएवर, ये हाउएवर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, मींस इसके बावजूद या जो भी हो, ये सेंस आता है, यानी जो भी हो, द जीएसपी रिव्यू स्ट्रेच्ड ऑन, यानी वो जो जीएसपी पर रिव्यू था, समीक्षा थी, स्ट्रेच्ड ऑन, उसका क्या होता गया, आगे बढ़ता गया, विद द टू कंट्रीज, क्योंकि वो जो दोनों देश हैं, यानी भारत और अमेरिका जो हैं, होल्डिंग फ्रीक्वेंट टॉक्स, क्योंकि इन्होंने कई बार बातें की, टू एड्रेस द कंसर्न्स, अर्थात इन चिंताओं को निपटाने के लिए, इन चिंताओं का समाधान, यहां एड्रेस समाधान निकालना, कंसर्न्स यहां पे चिंताएं, यानी इन चिंताओं का समाधान निकालने के लिए होल्डिंग फ्रीक्वेंट टॉक्स, यहां टॉक्स नाउन है आपका, भारत ने और अमेरिका ने कई बार बात की, इंडिया भारत फॉर इट्स पार्ट, हमेशा अगर दो कॉमा के बीच में कोई चीज उसे पहले पढ़ते हैं, फॉर इट्स पार्ट, यानी अपनी तरफ से इंडिया पोस्टपोन्ड द डेडलाइन,
भारत ने जो अंतिम समय सीमा थी, डेडलाइन मींस अंतिम समय सीमा, भारत ने अपनी जो अंतिम समय सीमा थी पोस्टपोन्ड, उसे स्थगित कर दी। किस चीज की डेडलाइन? फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द रिटेलिएटरी टैरिफ्स 6 times, यानी जो इम्पोजिशन था, मतलब इम्पोज से बना है, यानी जो लगाना था, जो ऑफ द रिटेलिएटरी टैरिफ्स, यानी जो प्रतिशोध में, बदले में जो टैरिफ्स भारत को लगाने थे, उस लगाने को भारत ने 6 बार क्या किया, पोस्टपोन किया। यानी जो उस लगाने की अंतिम समय सीमा थी, डेडलाइन थी, भारत ने उसे क्या कर दिया, 6 बार पोस्टपोन किया। और द लेटेस्ट डेडलाइन, जो अंतिम समय सीमा अभी हाल ही में जो घोषित अंतिम समय सीमा थी, इज ऑन April 1st, यानी वो कब समाप्त हो रही, 1 अप्रैल को समाप्त हो रही। वाशिंगटन्स डिसीजन, वाशिंगटन का जो निर्णय था टू रिव्यू इंडियाज जीएसपी स्टेटस, की भारत के जीएसपी स्टेटस, जीएसपी स्थिति को जो रिव्यू करना है, समीक्षा करनी है, एक्सटेंड, वो यानी अमेरिका ने क्यों कहा कि भारत के जीएसपी स्टेटस को समीक्षा करनी है, क्योंकि वो एक्सटेंड फ्रॉम कंप्लेंट्स, यानी अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक्सटेंड फ्रॉम कंप्लेंट्स की शुरुआत हुई उन शिकायतों के कारण फ्रॉम अमेरिकन मेडिकल एंड डेयरी इंडस्ट्रीज, क्योंकि अमेरिका की जो मेडिकल और डेयरी इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने शिकायत की, बोथ ऑफ विच शेड, और दोनों ही, मतलब उन दोनों अमेरिकन मेडिकल एंड डेयरी इंडस्ट्रीज ने कहा कि इंडिया वाज नॉट प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड मींस प्रदान करना, इंडिया वाज नॉट प्रोवाइडिंग इक्विटेबल, इक्विटेबल याद कर लीजिए काम आएगा, इक्विटेबल मींस न्याय संगत, न्यायोचित, यानी उचित। उन्होंने कहा कि इंडिया वाज नॉट प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एंड रीजनेबल एक्सेस, यानी उन्होंने कहा कि भारत जो है वो न्याय संगत और तर्क संगत एक्सेस, यानी पहुंच नहीं प्रदान कर रहा है टू इट्स मार्केट, यानी अपने बाजार तक, यानी उन्होंने कंपनियों ने कहा अमेरिका की कि भारत अपने बाजार तक हमें इक्विटेबल और रीजनेबल एक्सेस नहीं दे रहा है। इंडिया हैज सेड, भारत ने कहा है कि इट हैड ट्राइड, देखिए यहां इट लगाया गया इंडिया के लिए, यानी यहां पे एक तरह से न्यूट्रल जेंडर यूज किया गया, तो इंडिया हैज सेड, यानी भारत ने कहा है कि इट हैड ट्राइड हार्ड, ध्यान से देखिएगा ट्राइड हार्ड, एग्जाम में आपको ट्राइड हार्डली दे दिया जाएगा, तो ट्राई हार्ड होता है पूरी कोशिश करना, तो इंडिया हैज सेड, भारत ने कहा है कि इट हैड ट्राइड हार्ड, कि भारत ने पूरी कोशिश की टू कैटर, यानी एक तरह से ध्यान रखने की, टू कैटर टू होता है, टू कैटर टू मोस्ट ऑफ द यूएस डिमांड्स, यानी भारत ने कहा कि इसने पूरी कोशिश की है, गहन प्रयास किया है टू कैटर टू मोस्ट ऑफ द यूएस डिमांड्स, यानी अमेरिका जो डिमांड्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ, अधिकतर डिमांड्स की पूर्ति करने में, उनको ध्यान में रखने की भारत ने पूरी कोशिश की है। एंड अब देखिए एंड है ना, यहां पर था आपका टू कैटर था ना, टू कैटर, और फिर एंड के बाद रीच, यानी यहां टू देकर के गलत दिया जा सकता है, तो आप समझिएगा, तो एंड रीच एंड अंडरस्टैंडिंग, और भारत ने क्या कहा कि भारत ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि हम एक अंडरस्टैंडिंग, यानी एक समझदारी की तरफ बढ़ें, रीच करें, बट लेकिन की पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, यानी जो हमारे, हमारा जो मतभेद है उसके जो की पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं, स्पेशली विशेष रूप से रिगार्डिंग इंडियाज कल्चरल कंसर्न्स, मान भारत ने कहा कि भाई हमारी कुछ सांस्कृतिक चिंताएं हैं, टू डू विद डेयरी प्रोडक्ट्स, जो किससे संबंधित हैं, हमारी डेयरी यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित चीजों से संबंधित हैं, कुड नॉट बी एकोमोडेटेड, और ये वो चिंताएं हैं कुड नॉट बी एकोमोडेटेड, जिनका कोई समाधान नहीं निकाला जा सका, जिन पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, यानी जिन स्थितियों को एकोमोडेट नहीं किया जा सका, अर्थात अनुकूल नहीं बनाया जा सका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन दिस, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, एंड द फैक्ट, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, दैट की द यूएस हैज बीन एक्सप्रेसिंग डिसकंटेंट, कि अमेरिका जो हैज बीन एक्सप्रेसिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है आपका, कि द यूएस हैज बीन एक्सप्रेसिंग डिसकंटेंट, कि अमेरिका नाराजगी प्रकट करता रहा है, असंतुष्टि प्रकट करता रहा है ओवर इंडियाज पॉलिसीज, भारत की नीतियों को लेकर के,
टू डू विद डेटा लोकलाइजेशन, अर्थात जो उनके आंकड़े हैं उसके लोकलाइजेशन को लेकर के, अर्थात उनके स्थानीयकरण को लेकर के, एंड एफडीआई रूल्स, और जो फॉरेन डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट आपका है उसको लेकर के जो भारत की पॉलिसीज हैं उस पर अमेरिका हैज बीन एक्सप्रेसिंग डिसकंटेंट, यानी अमेरिका नाराजगी प्रकट करता रहा है इन ई कॉमर्स, जो एफडीआई रूल्स या डेटा लोकलाइजेशन ई कॉमर्स के अधीन आते हैं। इसलिए द डिसीजन टू विदड्रॉ द जीएसपी स्टेटस, इसलिए अगर अमेरिका जीएसपी, भारत के जीएसपी स्टेटस को विदड्रॉ करता है, यानी अगर उसे वापस लेता है, तो शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज। तो इस पर किसी को क्या नहीं होना चाहिए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका हैज बीन एक्सप्रेसिंग डिसकंटेंट, क्योंकि अमेरिका लगातार अपनी चिंताएं, अपनी नाराजगी क्या करता रहा है, प्रकट करता रहा है। द क्वेश्चन इज, यानी प्रश्न ये है कि हाउ विल न्यू दिल्ली रिएक्ट, न्यू दिल्ली मतलब यहां भारत से है, यानी प्रश्न ये है कि भारत किस तरह से इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। ध्यान रखिए कि एग्जाम में बहुत बार आपको यहां पे व्हाट लिख करके दे देगा, एग्जाम में आ जाएगा। द क्वेश्चन इज व्हाट विल न्यू दिल्ली रिएक्ट, तो भारत क्या रिएक्ट करेगा ही नहीं मैटर करता है, रिएक्ट हमेशा कैसे करते हैं ये मैटर करता है। चलिए, फॉलोइंग द यूएस अनाउंसमेंट, यानी अमेरिका की इस घोषणा के बाद द कॉमर्स मिनिस्ट्री, यानी जो हमारा वाणिज्य मंत्रालय है, वाज क्विक, यहां एग्जाम में आपको वाज क्विकली दिया जा सकता है, लेकिन चूंकि हमको एक एडजेक्टिव की जरूरत है न कि एडवर्ब की, इसलिए हम क्विकली नहीं, क्विक होगा। तो इस यूएस की अनाउंसमेंट के बाद द कॉमर्स मिनिस्ट्री, जो वाणिज्य मंत्रालय है, वाज क्विक, उसने बहुत तेजी दिखाई टू डाउन प्ले द इंपैक्ट। डाउन प्ले मीन्स होता है कम करके बताना, किसी चीज के इंपॉर्टेंस को जब आप कम करके बताते हैं तो आप डाउन प्ले करते हैं, इंपैक्ट आपको याद हो गया होगा, प्रभाव। यानी भारत ने, जो भारत का वाणिज्य मंत्रालय है, वो बहुत तेजी दिखाई, किस लिए, टू डाउन प्ले द इंपैक्ट, अर्थात इसके प्रभाव को कम करके बताने के लिए, सेइंग, और ये कहते हुए उसने कहा कि द जीएसपी बेनिफिट्स, जो हमें जीएसपी बेनिफिट्स मिलते हैं, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेस के जो बेनिफिट्स मिलते हैं, अमाउंटेड टू ओनली $190 मिलियन, जो $190 मिलियन के बराबर हैं, वाइल जबकि इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स अंडर द जीएसपी टू द यूएस स्टूड एट $5.6 बिलियन। जबकि भारत ने कहा कि हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है वो हमारा कितना है, करीब 5.6 बिलियन, यानी $5.6 अरब है हमारा एक्सपोर्ट, जबकि हम जो जीएसपी बेनिफिट लेते हैं वो सिर्फ $190 मिलियन है। ये कहते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने डाउन प्ले द इंपैक्ट, यानी उस प्रभाव को कम करने की क्या की, कोशिश की। इंडियन ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स मीन्स अधिकारी, भारतीय जो अधिकारी हैं, हैव स्ट्रेस्ड, उन्होंने जोर देकर कहा है दैट की टॉक्स, ये नाउन है यहां पे, टॉक्स ऑन द इशू, यानी इस मुद्दे पर जो बातचीत है, वुड स्टिल कंटिन्यू, वो अभी भी क्या रहेगी, जारी रहेगी, ड्यूरिंग द 60-day period, उन 60 दिनों के दौरान, आफ्टर विच, जिनके बाद द जीएसपी डिसीजन वुड कम इनटू इफेक्ट, जिनके बाद द जीएसपी डिसीजन जो है वुड कम इनटू इफेक्ट, कम इनटू इफेक्ट एक idiom है, कम इनटू इफेक्ट मीन्स लागू हो जाना, प्रभाव में आ जाना, यानी 60 दिनों के बाद जब ये जीएसपी जो इफेक्ट है, डिसीजन है, ये अपने प्रभाव में आ जाएगा, लागू हो जाएगा, उसके दरमियान बातचीत जो रहेगी क्या रहेगी, वो जारी रहेगी। द अदर ऑप्शन, जो एक अन्य विकल्प है, द गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज, जिस विकल्प पर सरकार एक्सरसाइज कर सकती, व्यवहार में ले आ सकती है, वो विकल्प है इज, ध्यान से देखें हमारा सब्जेक्ट क्या था, द अदर ऑप्शन था ना, तो फिर इसके लिए द अदर ऑप्शन द गवर्नमेंट कैन टेक या कैन एक्सरसाइज, यानी वो विकल्प जो सरकार ले सकती है, इज टू इंपोज रिटेलिएटरी टैरिफ्स ऑन यूएस गुड्स, वो ये है कि भारत भी यूएस गुड्स पर क्या लगा दे, रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा दे, बदले में शुल्क लगा दे उन पर। द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स, सरकार के जो प्रयास हैं टू डाउन प्ले द इंपैक्ट ऑफ द विड्रॉल ऑफ जीएसपी स्टेटस, यानी जीएसपी स्टेटस के प्रभाव को कम करने का सरकार का जो प्रयास है, एंड
एक्सप्रेस रेडीनेस फॉर मोर टॉक्स, और जो भारत सरकार कह रही है कि और अधिक बात करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाउएवर ये चीजें सजेस्ट, पता है सजेस्ट किसके लिए? ये सजेस्ट है द गवर्नमेंट एफर्ट्स के लिए। यानी फिर देखें, गवर्नमेंट के प्रयास, कौन से प्रयास? टू डाउन प्ले द इंपैक्ट ऑफ द विड्रॉल ऑफ जीएसपी स्टेटस, यानी जो जीएसपी स्टेटस के विड्रॉल को के प्रभाव को कम करने की कोशिश है, और एक्सप्रेस रेडीनेस फॉर मोर टास्क, और जो सरकार कह रही है कि हम और आगे बातचीत जारी रखेंगे। ये जो सरकार के प्रयास हैं, हाउएवर सजेस्ट जो भी हो, वो ये सुझाव देते हैं, उनसे पता चलता है कि इट यहां सरकार के लिए है, कि इट इज नॉट कीन, कि भारत नहीं चाहता है टू टेक अ डिसाइसिवली स्ट्रांग स्टांस, कि वह एक निर्णायक रूप से कोई ठोस कदम उठाए, कोई कठोर कदम उठाए। यानी भारत जो अपना थोड़ा सा लचीलापन दिखा रहा है, वो ये बता रहा है कि भारत निर्णायक रूप से कोई कठोर कदम, मजबूत कदम नहीं उठाना चाहता है। चलिए लास्ट पैसेज है आपका, इट बियर्स इम्फेसिस। इससे ये इस पर मतलब इससे जोर पता चलता है दैट कि, यानी इस चीज पर जोर देता है कि व्हाइल द एक्चुअल अमाउंट्स एट स्टेक, यानी जो हमारा वास्तविक हमारे अमाउंट्स हैं एट स्टेक, जो दांव पर हैं, जो खतरे में हैं, आर रिलेटिवली स्मॉल। देखिए कितना बड़ा यूज है रिलेटिवली, जानते होंगे रिलेटिवली के बाद, फेयरली के बाद, कंपेरेटिवली के बाद, हमेशा पॉजिटिव डिग्री का हम यूज करते हैं। फिर देख लें, इट बियर्स इम्फेसिस, इससे ये मतलब सामने उभर करके आती है चीज दैट की वाइल द एक्चुअल अमाउंट्स एट स्टेक, जो हमारी पूंजी, हमारी अमाउंट्स दांव पर लगे हैं, खतरे में हैं, आर रिलेटिवली स्मॉल, कहीं कहीं तुलनात्मक रूप से क्या है वो छोटी राशियां हैं। विद इवन इंडियाज प्रपोज्ड टैरिफ्स ऑन द यूएस अमाउंटिंग टू जस्ट 900 मिलियन, यानी विद इवन इंडियाज प्रपोज्ड टैरिफ्स ऑन द यूएस अमाउंटिंग, यानी अमेरिका पर जो प्रपोज्ड टैरिफ्स हैं अमाउंटिंग टू जस्ट 900 मिलियन, वो कितने हैं? केवल 900 मिलियन डॉलर्स हैं। तो उसके तुलना में रिलेटिवली स्मॉल भारत के जो अमाउंट्स हैं वो कहीं कहीं छोटे हैं। द इंपैक्ट ऑन स्मॉल इंडस्ट्रीज इन द कंट्री, लेकिन द इंपैक्ट ऑन स्मॉल इंडस्ट्रीज इन द कंट्री, लेकिन हमारे देश में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, उन पर जो प्रभाव है कुड नेवरदलेस बी सिग्निफिकेंट। नेवरदलेस मीन्स फिर भी, यानी फिर भी कुड नेवरदलेस बी सिग्निफिकेंट, कहीं कहीं वो प्रभाव क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, यद्यपि जो हमारी एक्चुअल अमाउंट्स हैं वो रिलेटिवली क्या है? स्मॉल है, लेकिन जो हमारा इम्पैक्ट है, यानी जो इम्पैक्ट है हमारे छोटे छोटे उद्योगों पर, इन पर कहीं कहीं जो प्रभाव होगा वो क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। एक्सपोर्ट बॉडीज हैव ऑलरेडी सेड, यानी जो एक्सपोर्ट बॉडीज हैं, यानी जो हमारे निर्यातक, जो हमारे बॉडीज हैं, यानी जो क्षेत्र हैं, हैव ऑलरेडी सेड, उन्होंने ऑलरेडी कह चुके हैं वो, दैट की सच इंडस्ट्रीज, ऐसे जो छोटे छोटे उद्योग हैं, वुड लूज देयर मार्केट, उनका बाजार क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, मार्केट शेयर, उनका बाजार जो हिस्सा है वो खत्म हो जाएगा इन द यूएस विदाउट, यानी इन द यूएस, अमेरिका में जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो खत्म हो जाएंगे विदाउट फिस्कल सपोर्ट। फिस्कल मीन्स वित्तीय, अगर उन्हें वित्तीय सपोर्ट नहीं दिया जाता है टू हेल्प देम मेंटेन देयर एज, ताकि वो अपनी उस कमी को क्या कर सकते हो? मेंटेन कर सकते हो। यानी अगर उन्हें अपनी एज, अपने उस नुकसान को मेंटेन करने के लिए फिस्कल सपोर्ट नहीं दिया जाता है, तो वो इंडस्ट्रीज जो हैं वुड लूज देयर मार्केट शेयर इन द यूएस, तो अमेरिका में वो मार्केट शेयर क्या कर देंगे? अपना खो देंगे वो। इन इट्स एब्सेंस, यानी इसकी अनुपस्थिति में ऑर्डर्स, ध्यान रखिएगा ऑर्डर्स में से आप जो भी ऑर्डर दिए जाते हो, ऑर्डर्स मीन्ट फॉर इंडिया, वो ऑर्डर्स जो भारत के लिए हैं, खुद गो टू अदर जीएसपी कंट्रीज, वो भारत के बजाय किसी अन्य जीएसपी देश को चले जाएंगे, साइंस ऑफ विच, जिसके लक्षण आर ऑलरेडी एविडेंट, पहले से क्या हो रहे हैं? अस्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, मैंने कहा था सारे आपके कॉमन एरर्स हैं जो आप कोशिश करें बेहतर करने की, और ज्यादातर आप कर लेंगे। देखें, बाप करें, यूएस हैज अल्टीमेटली, आगे बढ़िए ही नहीं, क्योंकि हम यहां यूएस देश की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले क्या लगाएंगे आप?
the लग जाएगा, the US has ultimately acted on हो जाएगा. Next है, Washington became the first. ध्यान रखिएगा, first के पहले the हटा के भी error दी जा सकती है. तो आप जानते होंगे ordinal numbers के पहले the लगाते हैं. तो Washington became the first to pull the trigger in a long trade standoff among the two countries. ध्यान से देखें, दो ही देश हैं, तो among का प्रयोग कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या लग जाएगा? Between लग जाएगा. Next है, the US सही यहाँ पे, the US took two consecutive decisions to increase import tariffs. ध्यान से देखें, to increase import tariffs on steel and aluminium and to place India's eligibility. मैंने कहा था एंड के बाद आप फुल इन्फिनेटिव न लें, यदि एंड के पहले फुल इन्फिनेटिव या है ना, फुल इन्फिनेटिव लिया गया है तो एंड के बाद आपको बेयर इन्फिनेटिव लेना होगा, टू नहीं लगेगा यहाँ पे. नेक्स्ट आपका है, इंडिया फॉर इट्स पार्ट पोस्टपोन्ड द डेडलाइन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द रिटेलेटरी टैरिफ्स सिक्स टाइम. ध्यान से देखें, सिक्स टाइम, ये टाइम समय के अर्थ में नहीं, बार के अर्थ में है. तो सिक्स अगर प्लूरल है तो सिक्स टाइम नहीं होगा, सिक्स टाइम्स हो जाएगा. नेक्स्ट आपका है, लेटेस्ट डेडलाइन इज ऑन अप्रैल फर्स्ट. कोशिश करें समझ जाएंगे. आप जानते होंगे लेट का दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव होता है. लेट का कंपैरेटिव अगर हम समय के अर्थ में देखेंगे तो लेट होता है ना, फिर लेटर होता है और फिर क्या होता है, लेटेस्ट होता है लेटेस्ट. और एक और होता है अगर आपको याद हो, लेट होता है फिर लेटर होता है, साफ दिख नहीं रहा होगा लेकिन समझ जाएगा, लेटर होता है और फिर लास्ट होता है. तो लेटेस्ट कौन सी डिग्री हुआ? सुपरलेटिव डिग्री हुआ ना. अगर लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो लेटेस्ट कैसे होगा? द लेटेस्ट होगा ना. नेक्स्ट है, वाशिंगटन्स डिसीजन टू रिव्यू इंडिया जीएसपी. इंडिया जीएसपी क्या होता है? इंडियाज जीएसपी स्टेटस होता है ना, तो इंडिया पे क्या लग जाएगा? एपोस्ट्रॉफी लग जाएगा, इंडियाज जीएसपी स्टेटस हो जाएगा. चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके. द क्वेश्चन इज व्हाट विल न्यू दिल्ली रिएक्ट. बोला था मैंने व्हाट विल नहीं होगा, हाउ विल न्यू दिल्ली रिएक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है, द कॉमर्स मिनिस्ट्री वाज क्विकली. बोला था मैं वाज है तो क्विकली कैसे होगा, यहां पे वाज क्विक होगा. आपको एडजेक्टिव चाहिए न कि एडवर्ब. क्या आप कहेंगे ही इज बैडली, नहीं कहेंगे ही इज बैड, आप यही कहेंगे क्योंकि एडजेक्टिव लेना होगा न कि एडवर्ब. वैसे ही मिनिस्ट्री वाज क्विकली नहीं होगा, वाज क्विक हो जाएगा. द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू डाउन प्ले द इम्पैक्ट ऑफ द विड्रॉल ऑफ जीएसपी स्टेटस एंड एक्सप्रेस रेडीनेस फॉर मोर टॉक्स हाउ एवर सजेस्ट. सजेस्ट किसके लिए है? इसके लिए है ना, एफर्ट्स के लिए. तो अगर एफर्ट्स प्लूरल है तो फिर सजेस्ट कैसे होगा? सजेस्ट हो जाएगा यहां पे. लास्ट है, सच इंडस्ट्रीज वुड लूज इट्स मार्केट. ध्यान से देखें, सच इंडस्ट्रीज है तो अगर सच इंडस्ट्रीज है तो इट्स कैसे होगा, यहां क्या हो जाएगा? देयर मार्केट हो जाएगा ना, देयर मार्केट. चलिए बच्चों, ये कोशिश है और मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, आप अपने एग्जाम्स में सफल हो सकें और निश्चित ही सफल होकर माता पिता की जो जिम्मेदारियां हैं उसे कहीं कहीं उठाने की कोशिश करें. ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं आपके, सारे क्वेश्चंस तैयार करिएगा. फिर ये आपकी सारी वर्ड्स हैं, इन सारी वर्ड्स को देख लीजिएगा, सभी वर्ड्स आपके काम आएंगे. कहते हैं ना वो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो अगर आप तैयार करेंगे तो निश्चित ही आपके काम आएंगे. और ये जो पैसेज आपके हैं इसे निश्चित ही पढ़ने की कोशिश करें, धीरे धीरे समझने की कोशिश करें. एक बार अगर आपको आदत हो जाएगी धीरे धीरे समझने की तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग मेथड तैयार हो जाएगा जिसका आपको जबरदस्त फायदा होगा. चलिए फिर, गुड नाइट, हमेशा खुश रहें आप. थैंक यू.